सीजीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में ऑटो रिक्शा सर्विसेज पूरी तरह से एग्जम्प्टेड थी। 18 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ई कॉमर्स थ्रू बुकिंग किए गए ऑटो रिक्शा सर्विसेज का एग्जम्पशन हटाया गया। इस अमेंडमेंट को उबर और कुछ अदर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ने चैलेंज किया। Welcome you to our channel where we will discuss landmark judgments on GST. ये पेटिशन Uber, Make My Trip और बाकी कुछ e-commerce operators ने collectively file किया था। 18 November 2021 से पहले ऑटो रिक्शा सर्विसेस और अदर देन AC स्टेज कैरियर सर्विसेस पूरी तरह से exempted थी। फेयर पे GST नहीं लगता था इवन इफ बुकिंग e-commerce थ्रू हुआ हो। However, 18 नवंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें ई कॉमर्स का एग्जम्पशन हटाया गया। देयरफॉर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ई कॉमर्स थ्रू बुक किए गए ऑटो रिक्शास और स्टेज कैरियर के फेयर पे GST लगने लगा। इस अमेंडमेंट को ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ने चैलेंज किया। उनका कहना ये था कि ओनली मोड ऑफ बुकिंग डिफरेंट होने के कारण इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स को GST का बेनिफिट डिनाई नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने पेटिशनर के खिलाफ डिसीजन दिया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि ई कॉमर्स थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडिपेंडेंट टैक्सेबल इवेंट है। इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस और ये सर्विस पूरी तरह से डिफरेंट है, इसलिए ये अमेंडमेंट नोटिफिकेशन वैलिड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच अपडेट्स फॉलो Logitech।